नाउ अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एक्स का टी की टर्म्स में, लेट्स से 4t² - 5t+2, राइट। और अगर हमें इस एक्स से वी निकालना है और वी से ए निकालना है, सो हम करते हैं डिफरेंशिएट, राइट। सो वी डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इफ देयर इज एक्स टू द पावर एन एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, देन आप पावर को सामने ले आओ और एक पावर कम कर दो, राइट। ये हमने पढ़ा था। अब अगर मान लीजिए आपको एक फंक्शन गिवन है ए का कोई एक फंक्शन है, लेट्स से 4t² - 5t+2, ये ए है सपोज, एंड ए इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मुझे ए से वी निकालना हो या वी से मुझे एक्स निकालना हो, तो हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। समझ आया? जब पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है, सो आप डिफरेंशिएट करो। लेकिन जब हमें उल्टा चाहिए, राइट, जब एक्सीलरेशन हमें गिवन हो और एक्सीलरेशन से हमें वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, सो वी विल इंटीग्रेट इट। नाउ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सपोज एक्स टू द पावर एन ये है आपके पास, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक तो हम ये ऐसा सिंबल लगाते हैं, ये एस स्नेक जैसा सिंबल है एक, एंड आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मान लो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो साथ में लिखेंगे डीएक्स। इसका क्या मतलब है कि मुझे एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पावर इंक्रीज कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। समझ आया? डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, पावर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर एक पावर कम कर रहे थे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर को इंक्रीज कर दो और उसी इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दो, क्लियर। बाकी यहां पर आगे प्लस एक कांस्टेंट भी आता है, बट वो कांस्टेंट मैथ्स में आपके लिए जरूरी है, फिजिक्स में हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। या कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कांस्टेंट लेना भी पड़ता है, बट मैक्सिमम केसेस में वी वोंट टेक द कांस्टेंट, ठीक। जैसे सपोज आपके पास मैं एक टर्म देती हूं x², मैं अगर बोलती हूं इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, सो आप क्या करोगे, एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया x³/3। वही अगर इसको डिफरेंशिएट करने की बात आ जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो पहले पावर को बाहर ले लो और एक पावर कम कर दो, सो आई गेट 2x। सो ये डिफरेंस है, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम पावर डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आप लोगों को और इंटीग्रेशन की टर्म्स सिखाती जाऊंगी कि कैसे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। आई विल कीप ऑन टीचिंग यू, डोंट वरी, ठीक। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, सपोज देयर इज अ पार्टिकल मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ
टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री टी. ठीक है, देयर इज अ पार्टिकल विच इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ टू टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री टी. कैलक्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. कैलक्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड्स. ये क्वेश्चन है आपके पास. ओके, सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए. सो पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सीलरेशन को ताकि वहां से वेलोसिटी आ जाए, और फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को ताकि वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाए. राइट, सो मेरे पास एक्सीलरेशन है 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t. करेक्ट, सो इंटीग्रेट a विद रिस्पेक्ट टू t. t का फंक्शन है, सो आप इसको इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में. क्लियर? सो इंटीग्रेट करने पर आप टर्म्स को चाहे अलग अलग लिख लो. क्लियर? बस अब हर एक टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करो. कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? ए डी टी को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान से देखना, a इज v बाय टी, या मैं लिखू dv बाय डी टी. करेक्ट, तो यहां से a डी टी बन गया dv. यस, सो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना, सो a इंटीग्रेशन डी टी आपको v देगा. ठीक, a को जब आप टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. सो इंटीग्रेट करने पर वी गेट v इज इक्वल टू, अब यहां पर 2 तो कांस्टेंट है, t क्यूब का जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर बढ़ाई, उसी से डिवाइड कर दिया. ठीक, प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो एक पावर बढ़ाओ और उसी से डिवाइड कर दो. ठीक, माइनस थ्री बाहर आ गया, टी है सो इंक्रीज वन पावर एंड डिवाइड बाय द सेम पावर. सो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, टी फोर बाय टू प्लस फोर बाय थ्री टी क्यूब माइनस थ्री बाय टू टी स्क्वायर. ये वेलोसिटी है जब एक्सीलरेशन को आप इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी देगा. बेटा वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक्सीलरेशन, लेकिन जब आप उल्टा जाओगे, जब आप एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगी. ये मैंने फॉर्मूला लिखा था ना अभी, a इज dv बाय dt, तो इस dt को अगर मैं इधर ले जाऊं, a dt इज इक्वल टू dv, तो जब मैं इन दो इसको इंटीग्रेट करूंगी एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, याद रखिए जब आपको पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं. जब आप एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, वापस जा रहे हो रिवर्स ऑर्डर में, तो इंटीग्रेट करोगे. ठीक, हाँ, क्योंकि डीवी का क्या मतलब है, मान लो अगर ऐसे है इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो मैं इसको वन इंटू डीवी लिख सकती हूं, और वन को भी मैं ऐसे लिख सकती हूं वी की पावर जीरो इंटू डीवी.
समझ आया? तो एक पावर बढ़ाओ उसी से डिवाइड करो, सो v की पावर 1 और 1 से डिवाइड कर दिया मैंने, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। तो यहां से मेरे पास v आ गया, अब इस v से हम x निकाल लेंगे, ठीक। कितना है v? t 4 by 2 प्लस 4 by 3 t क्यूब माइनस 3 by 2 t स्क्वायर, ये है मेरे पास v। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करो, आपके पास x आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ t 4 by 2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 by 3 t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 by 2 t स्क्वायर dt। सो जब आप v को इंटीग्रेट करोगे dt के रिस्पेक्ट में तो आपको पोजीशन मिल जाएगी x। सो x इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करिए इसको, हाफ आ गया बाहर, एक पावर बढ़ाओ उसी से डिवाइड कर दो, प्लस 4 by 3 आया बाहर, एक पावर इंक्रीज करो उसी से डिवाइड कर दो, माइनस 3 by 2 आया बाहर, एक पावर इंक्रीज करो उसी से डिवाइड कर दो, ठीक। तो यहां से मेरे पास x आ गया कितना, t 5 by 10 प्लस t 4 by 3 माइनस t क्यूब बाय 2, ठीक है। और बस वो आपसे 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, सो पुट t एज 2 सेकेंड्स एंड सॉल्व, आपके पास पोजीशन आ जाएगी 2 सेकेंड्स पर।